ये कहानी लुईस जैमफ्रीनी के जीवन पर आधारित एक सच्ची घटना है। जब लुईस छोटा था तो उसके माता पिता, उसके फ्रेंड्स, उसके पड़ोसी सभी लोग उससे परेशान थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शैतानियां करता था। वो चोरी करता, दारू पीता, सिगरेट पीता, और इस वजह से उसके पिता उससे बहुत परेशान थे, इसीलिए वो उसको मारते भी थे। लेकिन इन सभी चीजों का उस पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन लुई के बड़े भाई को उस पर बहुत भरोसा था। एक दिन लुई की गलत हरकत देखकर कोई उसका पीछा कर रहा था, और लुई बहुत तेज भागता है। उसी समय उसका भाई जो ग्राउंड में रनिंग कर रहा होता है, वो उसे भागता हुआ देखता है। वो उसे रनर बनने के लिए मोटिवेट भी करता है और उसकी प्रैक्टिस भी करवाता है। एक दिन लुई काफी डिमोटिवेट होता है और वो अपने भाई से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। लुई का भाई कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो। कहता है, अगर तुम झेल सकते हो तो खेल सकते हो, तुम प्रैक्टिस करो औरों से ज्यादा और देखना तुम ही जीतोगे। अगर तुमने हार मान ली तो तुम एक दिन भीख मांगोगे बैठकर। लुई कहता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता। उसका भाई उससे बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर सकते हो, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बाद लुईस प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब उनके स्कूल में एक रेस होती है जिसमें लुईस भी पार्टिसिपेट करता है। शुरू में तो वो बहुत पीछे होता है, लेकिन जब उसका भाई उसे मोटिवेट करता है तो वो तेज भागने लगता है और काफी अच्छी रनिंग करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुई प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका भाई उसके पीछे साइकिल दौड़ा रहा होता है, जिसके बाद वो तेज भागने लगता है। और हम देखते हैं कि लुई अब भागते भागते बड़ा हो गया है। अब बड़ा होने के बाद वो रेस में पार्टिसिपेट करता है और रेस में फर्स्ट आता है। इसके बाद वो एक और रेस में पार्टिसिपेट करता है और बहुत तेज भागता है और एक रिकॉर्ड कायम कर देता है। वो 4 मिनट में 1 मील दौड़ता है, और आज तक अमेरिका के इतिहास में कोई भी हाई स्कूल का बच्चा इतनी तेज नहीं दौड़ा था। तो ये लुई का एक रिकॉर्ड होता है और इसी के बिहाफ पे उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। अब जब वो ओलंपिक में जा रहा होता है तो वो अपने भाई से बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। उसका भाई बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, मुझे पता है कि तुम हारने वाले हो। वो कहता है, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन अगले ओलंपिक में मैं सबको दिखा दूंगा। उसका भाई कहता है, टोक्यो? वो कहता है, हाँ टोक्यो। और यहां हमें पता चलता है कि अगला ओलंपिक टोक्यो में है, जो कि जापान की कैपिटल है। इसके बाद वो ट्रेन में चढ़ जाता है और उसका भाई उससे बोलता है, दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। और इसके बाद लुई ओलंपिक के लिए चला जाता है। ओलंपिक में वो 5000 मीटर की रेस में हिस्सा लेता है और सारे राउंड्स में वो पीछे रहता है, और आखिरी राउंड में वो बहुत तेज भागता है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है। आज से पहले फाइनल राउंड इतने कम समय में किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था। और ये ओलंपिक हुआ था सन 1936 में। लुई का सपना था कि जो अगला ओलंपिक 1940 में जापान के टोक्यो शहर में होने वाला है, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेगा और देश के लिए मेडल लेकर आएगा। और उसका ये सपना अधूरा ही रह गया, क्योंकि उस वक्त तक World War II स्टार्ट हो चुका था और 1940 के ओलंपिक रद्द हो चुके थे। और अब कहानी शिफ्ट होती है सन 1943 में, जब World War II चल रहा था, और इस समय अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही होती है। और अब लुईस अमेरिकी सेना में एक बॉम्बार्डियन होता है, और इन लोगों की पूरी एक टीम होती है। ये लोग प्लेन से जाते हैं और बॉम्ब गिराकर वापस आ जाते हैं, यानी कि ये लोग हवाई हमला करते हैं। एक दिन जब ये जापान पर बॉम्ब गिराकर वापस आ रहे थे, तो जापान के कुछ हवाई हमलावर इन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इनके कुछ साथी घायल हो जाते हैं। और अब ये लोग अपने बेस पर पहुंच जाते हैं। हवाई हमले की वजह से ये प्लेन काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है, और पायलट इसे लैंड कराने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये लैंड कर रहे होते हैं तो इनके प्लेन का एक टायर फट जाता है, जिसकी वजह से इनकी क्रैश लैंडिंग होती है, और इस दुर्घटना में किसी की भी जान नहीं जाती। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं लुई रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका दोस्त उसके साथ जीप में आ रहा होता है। लेकिन तभी इनके कुछ लोग पीछे से आते हैं और इनको बोलते हैं कि हमें जाना है, चलो। लुई पूछता है कि हम कहां जा रहे हैं। वो बताते हैं कि इस बार हम जंग में नहीं जा रहे, हम एक बचाव अभियान में जा रहे हैं, हमें कुछ लोगों को ढूंढना है जो समंदर में खो गए हैं। और अब हम देखते हैं कि ये लोग दूरबीन की सहायता से उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें पता चलता है कि इनकी प्लेन की हालत ज्यादा कुछ खास नहीं होती। तभी इस प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और इस प्लेन के बाएं तरफ के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं, और इनका प्लेन क्रैश होने लगता है और समंदर में गिर जाता है। इस क्रैश में पूरी टीम मर जाती है और सिर्फ 3 लोग बचते हैं,
जिसमें लुई भी शामिल है, और इन लोगों के पास दो एयरबोट होती है और ये तीनों उन एयरबोट में चढ़ जाते हैं। लुई खाने का सामान चेक करता है और उसे चॉकलेट के कुछ बॉक्स मिलते हैं। वो कहता है कि एक चॉकलेट का टुकड़ा सुबह खाएंगे और एक शाम को, और पानी दो घूंट से ज्यादा एक दिन में कोई भी नहीं पिएगा। वो ऐसा इसलिए बोलता है कि कौन क्या कब किस समय उनको ढूंढने आएगा कुछ पता नहीं। और अब इनके सामने होता है एक विकराल समुद्र जिसका कोई किनारा नहीं। और अब रात को ये सब सो जाते हैं, लेकिन जब ये सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आसमान में एक प्लेन है। ये लोग उनकी तरफ फ्लेयर चलाते हैं और पानी में भी कलर छोड़ते हैं ताकि वो लोग इनको देख ले, पर इन चीजों का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो प्लेन जा चुका है। और ये देखकर वो सभी काफी नाराज हो जाते हैं। और तभी लुई देखता है कि यहाँ पर चॉकलेट के खाली डिब्बे पड़े हैं और वो समझ जाता है कि ये काम मैक का है। और वो मैक से कहता है कि ये तुमने क्या किया। मैक कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लुई गुस्से में चॉकलेट के खाली डब्बे उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि इससे फर्क पड़ता है मैक। अब इन लोगों को समुद्र में कुछ दिन हो चुके हैं और भूख और प्यास से इन लोगों का बहुत बुरा हाल है। समुद्र का पानी नहीं पिया जा सकता क्योंकि समुद्र के पानी पीने से इनको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इनको और प्यास लगेगी, जिससे इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। ये लोग बोट में बेसुध पड़े होते हैं, तभी इनकी बोट पर एक पक्षी आकर बैठ जाता है और ये लोग उस पक्षी को घूरने लगते हैं। दरअसल इन लोगों को बहुत जोर से भूख लगी हुई होती है, इसीलिए लुई बड़ी सावधानी से इस पक्षी को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये उस पक्षी को मार देते हैं और उस पक्षी को खाते हैं। और ये पक्षी उनको हजम नहीं होता, इसलिए इन तीनों को उल्टियां लग जाती हैं। तभी इन तीनों में से एक बंदा कहता है, हम मछली तो पकड़ ही सकते हैं, क्योंकि अब इन लोगों के पास उस पक्षी का गोश्त होता है, यानी कि मछली को पकड़ने के लिए इन लोगों के पास अब चारा होता है, जिसकी मदद से ये लोग एक मछली को पकड़ भी लेते हैं। लुई मैक से कहता है कि तुम भी आ जाओ, और ये तीनों मिलकर उस मछली को कच्चा खाते हैं। और ऐसे ही ये धीरे धीरे करके मछलियां पकड़ना शुरू करते हैं, जिसके बाद इनको खाना मिलना शुरू हो जाता है। और एक रात जब ये लोग सो रहे होते हैं, तभी समुद्र में तूफान आ जाता है और इन सबको लगता है कि ये लोग अब नहीं बचेंगे। और जब इन लोगों को अपनी मौत सामने दिखती है तो इनको अपने जीवन का महत्व पता चलता है। और लुई ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि अगर आप मुझे बचा लो परमेश्वर, तो मैं अपना सारा जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। अब ये तीनों लोग उस तूफान से बच जाते हैं। ये तीनों लोग खाने के लिए समुद्र से मछली तो पकड़ लेते हैं, परंतु पीने के लिए पानी कहाँ से लाए। जब सुबह तूफान थमता है तो यहाँ पर बारिश शुरू होने लग जाती है, जिसके बाद ये लोग कुछ पानी इकट्ठा कर लेते हैं। और इसी के साथ इन लोगों को यहाँ पर कुछ दिन और बीत जाते हैं। और इसी बीच इन लोगों को आसमान में एक प्लेन दिखता है। अगेन ये लोग फ्लेयर चलाते हैं और उस प्लेन का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो प्लेन मुड़कर इनके पास वापस आता है और इन पर गोलियां चलाने लगता है। दरअसल ये प्लेन जापानीज का होता है। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई हो रही होती है, जिस वजह से वो प्लेन इन पर गोलियां चलाने लगता है। और ये सभी समुद्र में कूद जाते हैं, जिस वजह से इनकी जान बच जाती है। और इस हमले में इनकी दोनों एयरबोट पंचर हो जाती है, जिसके बाद ये एक बोट को तो रिपेयर कर लेते हैं, परंतु दूसरी बोट पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसके बाद इन तीनों को एक ही बोट में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इन बोट्स के अंदर स्पेस बहुत कम होता है। और अब तक इन तीनों को समुद्र में 35 दिनों से ज्यादा दिन बीत चुके होते हैं। भूख, प्यास और मानसिक तनाव को मैक बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ये लोग उसको श्रद्धांजलि देकर समुद्र में बहा देते हैं। अब समुद्र में ये सिर्फ दो लोग बचे हैं और इनकी हालत भी बहुत खराब है। ये अपने जीवन से हार मान चुके हैं और इनको अब यहाँ पर 47 दिन हो चुके हैं। इसके बाद एक जापानी शिप इनको देख लेता है और इनको बंदी बना लेता है। अब ये लोग लुई और उसके दोस्त को एक कैंप में लेकर जाते हैं जो कि जंगल में है, और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो लुई को पहचान लेता है कि ये एक फेमस ओलंपिक एथलीट है, क्योंकि इन लोगों के पास लुई का एक फोटो भी होता है जो कि एक अखबार की कटिंग है। ये लोग लुई और उसके दोस्त से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इसके बाद इन दोनों को एक दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है जो कि टोक्यो में है। और जब ये कैंप में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर इनके जैसे और भी कैदी होते हैं जो कि अमेरिका के सैनिक होते हैं, और इन लोगों को जैप्स ने गिरफ्तार किया हुआ होता है। और इस कैंप का जो इंचार्ज होता है वो बहुत सख्त है, यानी कि वो बहुत क्रूर होता है, और इसका नाम है कॉर्पोरल वटनामी। और वो उन सभी को बोलता है, तुम सभी जैप्स के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। और जब कॉर्पोरल वटनामी ये सब बता रहा होता है तो वो देखता है कि लुई उसकी तरफ देख रहा है, और वो लुई के पास जाता है और बोलता है कि मेरी आंखों में देखो। लुई जब उसकी आंखों में देखता है तो वो उसको बहुत जोर से मारता है, जिसके बाद वो फिर से कहता है,
मेरी आंखों में देखो। लुई फिर से उसकी आंखों में देखता है और वो फिर से लुई को मारता है और कहता है कि मेरी आंखों में मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। और इसके बाद इन लोगों को इनके आराम करने की जगह दिखाई जाती है, जहां पर बहुत सारे अमेरिकन सैनिक एक ही रूम में सोते हैं। और अगले दिन सुबह सबको परेड के लिए बुलाया जाता है और कॉर्पोरल वटना भी कहता है कि तुम में से एक कुक है जो ऑस्ट्रेलिया से है और एक ओलंपिक एथलीट है। इसके बाद वो पूछता है कि कौन है ओलंपिक एथलीट, जिसके बाद लुई अपना हाथ उठाता है और अब कॉर्पोरल वटनामी लुई की और अपने एक साथी की दौड़ लगवाता है, जिसके अंदर लुई हार जाता है और वो थक कर गिर जाता है। वो लुई के पास जाता है और उसको सर पर डंडा मारते हुए कहता है कि तुम बेकार हो। और इतना ही नहीं बल्कि वो सारे कैदियों में सबसे ज्यादा नफरत लुई से करता है, जैसे कि उसकी उससे कुछ पर्सनल दुश्मनी हो। एक दिन लुई और उसका दोस्त कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि अमेरिकन प्लेन्स अब काफी नजदीक आ गए हैं और उस रात को भी कॉर्पोरल वटनामी लुई को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद रेडियो से कुछ लोग आते हैं और वो लुई से बताते हैं कि अमेरिकन सरकार सभी को बता रही है कि मशहूर ओलंपिक एथलीट लुई जैम्फिरिनी अब मर चुका है, यानी कि अब जिंदा नहीं है। वो कहते हैं कि तुम अपने घर वालों को बताना चाहोगे कि तुम अभी तक जिंदा हो, मरे नहीं हो। अब इसके बाद लुई रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है और अपने घर वालों को बताता है कि मैं जिंदा हूं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। इसके बाद वो लोग लुई को एक पेपर देते हैं और बोलते हैं कि इस पेपर में जो लिखा है अमेरिका के बारे में तुम वो बोलो, हम तुमको वापस कैंप में नहीं भेजेंगे और तुम यहाँ पर एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। लुई मना कर देता है कि मैं अपने देश के बारे में ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इसके बाद ये लोग लुई को वापस कैंप में भेज देते हैं और यहाँ का जो इंचार्ज होता है वो लुई के हाथ पीछे से बंधवा देता है और वो उससे कहता है कि तुम मजबूत हो, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने ये चीज तुम्हारी आंखों में पहले ही दिन देख ली थी और मुझे लगता था कि हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन जापान का दुश्मन मेरा कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। और वो कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानते और आदर नहीं करते, इसीलिए मैं तुमको आज आदर करना सिखाऊंगा। इसके बाद वहाँ पर जितने भी बंदी होते हैं, यानी कि जितने भी सैनिक होते हैं, वो सबसे कहता है कि सब एक जोरदार पंच इसके मुंह पर मारेंगे। हालांकि कोई भी उसको पंच नहीं मारना चाहता। इसके बाद कॉर्पोरल उसके दोस्त को लाता है और बुरी तरह से मारने लगता है और वो कहता है कि जब तक तुम लोग इसको नहीं मारोगे मैं इसको मारता रहूंगा। इसके बाद लुई सबसे कहता है कि मुझे मारो और एक एक करके सभी लोग लुई को मुंह पर पंच मारते हैं और इतने सारे मुक्के अपने मुंह पर खाकर लुई की हालत खराब हो जाती है। और अब इसके कुछ दिन बाद जेल में एक नाटक का कार्यक्रम होता है, जहां पर सारे सैनिक बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होते हैं और तभी कॉर्पोरल वटनामी लुई के पास आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और बुरी खबर ये है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। और कहता है कि मेरे प्रमोशन के लिए तुम मुझको बधाई दे सकते हो, लेकिन लुई कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद कॉर्पोरल वटनामी वहां से चले जाते हैं। और अब एक रात जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही होती है, इस वजह से इनके कैंप में बमबारी होती है और इस बमबारी में इनका कैंप बुरी तरह निस्त नाबूत हो जाता है और बुरी तरह जल जाता है। और अब इसके बाद जो वहां पर बंदी होते हैं उन सभी को एक दूसरे बंदी गृह में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब ये लोग यहाँ से दूसरे कैंप की तरफ जा रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर मातम छाया हुआ है, जो कि रात को अमेरिका ने बमबारी की थी उसकी वजह से है। और वहाँ पहुंचकर ये लोग लाइन में खड़े होते हैं और लुई देखता है कि यहाँ का इंचार्ज कॉर्पोरल वटनामी है। कॉर्पोरल लुई के पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरी आंखों में नहीं देखोगे, और वो लुई को एक जोर से डंडा मारते हैं। और अगले दिन से सारे के सारे बंदी काम पर लग जाते हैं और यहाँ पर ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जो कि इन्हें कोयले को ट्रेन में लोड करना होता है। एक दिन लुई ऊपर से नीचे आ रहा होता है और तभी एक जैप सिपाही उसको ऊपर से धक्का दे देता है और वो नीचे आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको पैर में बहुत जोर से चोट लग जाती है। इस कैंप में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। एक दिन लुई काम कर रहा होता है और वो बहुत थक जाता है। वो रुक जाता है और थोड़ा सा सहारा ले लेता है, तभी वहां पर वो जापानी सैनिक आता है जिसने उसको ऊपर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसको पैर में चोट लग गई थी, और वो उसको पकड़कर अपने लीडर के पास ले आता है। और अब यहाँ पर बड़े बड़े लकड़ियों के लट्ठे पड़े होते हैं। कॉर्पोरल बोलता है कि इनमें से एक लकड़ी को उठाओ, और वो लकड़ी बहुत ज्यादा भारी होती है और लुई की हालत पहले से ही बहुत खराब होती है। अब लुई उस लकड़ी को उठाकर अपने कंधे पर रखता है। कॉर्पोरल बोलता है कि इस लकड़ी को अपने सर के ऊपर उठाओ। लुई बड़ी मुश्किल से उस लकड़ी को अपने सर के ऊपर उठाता है और कॉर्पोरल बोलता है कि अगर इसने ये लकड़ी नीचे गिराई तो इसको गोली मार देना। अब लुई उस लकड़ी को उठाकर तो रखता है, लेकिन उस लकड़ी में बहुत ज्यादा वजन होने के कारण वो लकड़ी धीरे धीरे उसके सर के पास आ जाती है। और अब सभी लोग शांत हो जाते हैं और वो देखने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है। कोई भी काम नहीं कर रहा होता और जो जापानी सैनिक होते हैं वो
भी रुक जाते हैं। लुई काफी समय तक इस लकड़ी को ऐसे ही पकड़ कर रखता है और वो कॉर्पोरल की आंखों में देखता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी जान लगा देता है और उस लकड़ी को अपने सर के ऊपर उठा देता है, और इस दौरान भी वो उसकी आंखों में घूरता रहता है। इंचार्ज बोलता है कि मेरी आंखों में मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, लेकिन लुई कंटिन्यू उसकी आंखों में देखता रहता है। वो कई बार मना करता है कि मेरी आंखों में मत देखो, लेकिन लुई उसकी एक नहीं सुनता, और कॉर्पोरल ये सब देखकर बिल्कुल सहम जाता है और वो उसकी तरफ दौड़कर आते हैं। उसके हाथ में जो लकड़ी होती है वो उससे लुई को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन इस दौरान भी लुई उसकी आंखों में देख रहा होता है, जिसके बाद कॉर्पोरल उस लकड़ी को फेंक देते हैं और उसको बुरी तरह से पंच मारने लगते हैं। और यहाँ पर उसको वो लम्हे याद आते हैं जहाँ पर उसके भाई ने उससे कहा था, दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। कॉर्पोरल वटनामी उसको इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि वो खुद भी थक जाते हैं। लुई के अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो खड़ा हो सके और वो रात भर वहीं पड़ा रहता है। इसके बाद वो सभी कैदियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उनका एक ऑफिसर बोलता है कि लड़ाई अब खत्म होने के कगार पर है, और इसके बाद वो कहते हैं कि हम सभी कैदियों को नोता देते हैं कि वो हमारी पवित्र हुकूरा नदी में नहाएं, और ये सभी नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन सभी को लग रहा होता है कि ये अब हम सबको मार देंगे, और जब ये सब के सब नदी में खड़े होते हैं तब ये देखते हैं कि उनकी तरफ एक हवाई जहाज आ रहा है, और जब वो नजदीक आ जाता है तो ये देखते हैं कि ये जहाज इनकी कंट्री का है, यानी कि अमेरिका का है, जिसके बाद ये सारे बंदी काफी खुश हो जाते हैं। अब इनको पता चल जाता है कि जंग अब खत्म हो चुकी है और ये सभी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद हवाई जहाज से खाना ड्रॉप किया जाता है और सभी लोग अब उस खाने को खा रहे हैं, और यहाँ पर एक काफी खुशनुमा माहौल होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लुई कॉर्पोरल वटनामी के कैबिन में जाता है और देखता है कि वहाँ पर कॉर्पोरल वटनामी नहीं है, सिर्फ वहाँ पर उनका वो डंडा होता है जिससे वो लुई को मारा करते थे। दरअसल कॉर्पोरल वटनामी इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। इसके बाद लुई अपनी कंट्री वापस आ जाता है, और कंट्री पहुँचने के बाद सबसे पहले वो अपनी जमीन को चूमता है, जिसके बाद वो अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने पिता से मिलता है और वो बहुत खुश होता है। फिर सन 1947 में लुई की शादी हो गई। शादी के बाद अब उनका एक बेटा और एक बेटी है, जिसके बाद लुई ने अपने संघर्ष और अपने विश्वास से ये सीखा कि आगे बढ़ने का रास्ता जंग नहीं क्षमा है। और इसके बाद लुई वापस से जापान गया और उसने उन लोगों को ढूंढा जिन्होंने इसको बंदी बनाया था, और उसने उन सभी से सुलह की, लेकिन कॉर्पोरल वटनामी ने मिलने से मना कर दिया। और लुई का एक सपना था कि वो जापान के ओलंपिक में दौड़े, जो कि 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन लुई ने अपना ये सपना पूरा किया 80 साल की उम्र में, और वो ओलंपिक की मशाल लेकर जापान की सड़कों पर दौड़ा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।